मृतक मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला लगातार गर्म है। इसी बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कौन है आदेश के चाचा के करीबी विधायक अजय सिंह। इस घटना से क्या है उनका संबंध? इसका जवाब यह है कि मृतक मोहित पांडे के दोस्त और कारोबार में मददगार राहुल सिंह का कहना है कि आदेश सिंह के चाचा के करीबी हैं गोंडा के करनैलगंज से विधायक अजय सिंह। अजय सिंह को आदेश सिंह अपना करीबी रिश्तेदार बताता है। जब मोहित पांडे और आदेश के बीच 600 रुपए को लेकर मारपीट हुई थी वो तो सुलझ गई थी, लेकिन फिर आदेश ने अपने चाचा को फ़ोन किया और चाचा थाने पहुंच गया था और इसके बाद मोहित को पुलिस ने थाने के लॉकअप में डाल दिया था। आरोप है कि आदेश के चाचा अजय सिंह के करीबी हैं और इसलिए पुलिस ने दबाव में मोहित को हिरासत में ले लिया। मोहित से मिलने जब उसका भाई शोभाराम थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मोहित को रात 11 बजे उठाया, लेकिन उठाने का समय रात के 1:30 बजे लिखा, जिसके बाद जब लॉकअप के CCTV फुटेज को देखा गया तो उसमें देखा गया कि मोहित की तबीयत बिगड़ी हुई है, जो लॉकअप के अंदर का है। लॉकअप में आरोपी आदेश सिंह भी नजर आया। नीली टी शर्ट में आदेश सिंह बैठा है। मोहित पांडे दर्द से करार आए, लेकिन आदेश सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आरोप लगने के बाद सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर चिनहट थाने के इंचार्ज अश्विनी कुमार के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। अब सब इंस्पेक्टर भरत कुमार पाठक को थाने का चार्ज दिया गया है। इस घटना के बाद मोहित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही परिवार को भरण पोषण के लिए 50 लाख का मुआवजा मिले। मोहित की पत्नी को सरकारी नौकरी और घटना की CBI जांच हो। बता दें कि पहले जो मारपीट का मामला था वो 151 में दर्ज किया गया था, जिसके बाद जमानत पर आदेश सिंह को छोड़ दिया गया था। फिर मोहित पांडे की मौत के बाद FIR में आदेश सिंह का नाम भी है। जब चिन्हट थाने में मोहित पांडे की मौत पर इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है, वो ये है कि ये शुक्रवार रात 11 बजे मोहित पांडे को थाने लाया गया, लेकिन गिरफ्तारी शनिवार दोपहर 1 बजे के लगभग दिखाई गई। लगभग 14 घंटे मोहित पांडे को गैर कानूनी ढंग से थाने के लॉकअप में क्यों रखा गया? जब रात में मोहित पांडे को थाने लाया गया, इस वक्त क्यों गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई? हत्या में नामजद आरोपी आदेश और उसके चाचा क्यों नहीं किए गए हैं अब तक गिरफ्तार? कहाँ है आदेश का चाचा, जिस पर परिवार वालों ने आरोप लगाया? इसी चाचा के इशारे पर थाने में उसकी पिटाई की गई। क्या पुलिस अपने इंस्पेक्टर के साथ साथ आदेश और उसके चाचा को भी जांच की आड़ में बचाने में तो नहीं जुटी? इस मामले में सामने आया कि आदेश सिंह मृतक मोहित पांडे का करीबी था। वो स्कूल ड्रेस सप्लाई में मददगार भी था। आदेश से मोहित पांडे के 600 रुपये के लेन देन को लेकर शुक्रवार के दिन झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस आदेश के चाचा और मोहित पांडे को थाने ले आई। ये खबर हमें लखनऊ से संतोष कुमार ने भेजी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए।